नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो सबसे पहले मैं आपको जो दीपावली का अवकाश होने वाला है, महाविद्यालय में शैक्षणिक और अशैक्षणिक गतिविधियाँ 18 तारीख तक बंद रहने वाली है। जो सैटरडे आज लास्ट रहेगा हमारा, संडे से 8 तारीख को संडे और 9 तारीख से अवकाश है जो 18 तारीख तक रहेंगे। उस दौरान जो किसी तरह की शैक्षणिक गतिविधियाँ अशैक्षणिक गतिविधियाँ महाविद्यालय में नहीं होगी, तो आप अपने घर पर रहते हुए जो COVID-19 जो महामारी है उसका ध्यान रखते हुए सही समय का सदुपयोग करेंगे, उम्मीद करता हूँ। और आपको मेरी तरफ से दीपावली की जो ढेर सारी शुभकामनाएँ व बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पाषाण काल के पश्चात कौन सा समय आता है और उस प्रकार मानव सभ्यता का विकास कैसे। जैसे पाषाण काल को हमने तीन भागों में विभाजित किया था, तीन भागों की अगर बात करते हैं तो पहला भाग है जो पूरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज हमने कहा। उसके पश्चात आता है मध्य पाषाण काल, जिसे मिसोलिथिक एज हमने कहा। उसके पश्चात आता है नव पाषाण काल, जिसे हमने नियोलिथिक एज का। जब ये समय समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात कौन सी काल और अवस्थाएं जो शुरू होती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और मानव के द्वारा धीरे धीरे पाषाण की जगह जो धातुओं के औजारों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो बात करते हैं नव पाषाण काल के पश्चात कौन कौन सी जो अवस्थाएं आती है, कौन कौन सी सभ्यताएं आती है, तो उनको किस नाम से जाना जाता है उस समय को। तो नव पाषाण काल के पश्चात हमें देखने को मिलता है कि शुद्ध नव पाषाण काल भी आता है। अब ये शुद्ध नव पाषाण काल कहाँ पे आता है, जो उत्तर पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में अपने को ये शुद्ध नव पाषाण काल देखने को मिलता है। इसमें जो उत्कृष्ट जो पाषाण उपकरणों का ही प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का जो प्रयोग अपने को देखने को मिलता है और ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अपने को शुद्ध नव पाषाण काल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ताम्र नव पाषाण काल। तो ताम्र नव पाषाण काल की बात करें तो ये भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अपने को देखने को मिलता है, उत्तरी पश्चिम भारत में अपने को देखने को मिलता है ये। तो इसमें क्या होता है, जो नव पाषाण काल जैसे ही समाप्त होता है उसके उत्तरोत्तर नव पाषाण काल में जो उसकी अंतिम अवस्थाएँ रहती है, और नव पाषाण काल का जो समय रहता है उसके अंतिम समय में अपने को तांबे की धातु का प्रयोग देखने को मिलता है। इस वजह से इसको ताम्र नव पाषाण काल कहा जाता है। तो ये नव पाषाण काल की जो उत्तरोत्तर समय रहता है, यानी जो अंतिम समय की बात करते हैं, तो उसमें ताम्र धातु का प्रयोग भी कहीं ना कहीं अपने को आसपास देखने को मिलता है, जिसे अपन यहाँ शुद्ध नव पाषाण काल को पियर नियोलिथिक एज कहा जाता है और ताम्र नव पाषाण काल को चालको नियोलिथिक एज कहा जाता है। अब बात करते हैं ताम्र नव पाषाण काल के पश्चात जैसे ही नव पाषाण काल समाप्त होता है तो ताम्र पाषाण काल का समय अपने को देखने को मिलता है। इसे ताम्र पाषाण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अभी तक जो पाषाण के उपकरणों का जो प्रयोग होता जा रहा है उन उपकरणों का प्रयोग भी यहाँ हो रहा है, और साथ साथ में बात की जाए तो जो तांबे के उपकरण है, जो ताम्र धातु है जिसे तांबा कहते हैं अपन, तो ताम्र धातु के औजारों का प्रयोग भी यहाँ देखने को मिलता है। इसलिए ये चालकोलिथिक एज कहा जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बात की जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्तरी भारत है, पश्चिमी भारत है, यहाँ जो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं अपने को देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कांस्य युग की। ताम्र पाषाण काल के पश्चात ये इन जो अवस्थाओं का विभाजन किया गया है, जो मनुष्य के द्वारा धातु के प्रयोग के आधार पर विभाजन किया गया है। अभी हम जिक्र करेंगे मनुष्य के द्वारा कौन कौन सी धातुओं का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। तो बात करते हैं, फिर आता है कांस्य युग। जो कांस्य युग किसे कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग है इसको कहते हैं ब्रॉन्ज एज। इसमें क्या होता है, दो धातुओं का प्रयोग किया जाता है, तांबे और टिन की धातुओं से मिलाकर औजार बनाए जाते हैं, जिसके आधार पर इसे कांस्य युग कहा जाता है। उसके पश्चात आता है लोह युग। इस समय क्या होता है, इस समय मानव के द्वारा लोह धातु का प्रयोग किया जाने लगता है, इस वजह से इसे आयरन एज कहते हैं। तो इस जो
नवपाषाण काल के पश्चात जो काल विभाजन किया गया है, जो बाकी की अवस्थाओं का विभाजन किया, उसका मुख्य आधार क्या है? मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली धातु के आधार पर जो काल का विभाजन किया गया है। अब यहाँ शुद्ध नवपाषाण काल में जो उत्कृष्ट औजारों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर जो पाषाण, ये नवपाषाण काल है, शुद्ध नवपाषाण काल की बात की जाए तो ये जो नवपाषाण काल के समय का अंतिम दौर रहता है, और ये पाषाण काल के अंदर भी आप इसे गिन सकते हो। तो यहाँ पे जो प्योर नियोलिथिक एज है वह उत्तरी पूर्वी भारत में देखने को मिलती है। उसके पश्चात बात करते हैं ताम्र नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंतिम समय में जो ही नवपाषाण काल समाप्त होता है, उसके अंतिम समय में बात की जाए जो 7000 ईस्वी पूर्व से लेकर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन तक 3750 लगभग वहाँ तक जो पाषाण काल रहता है, और लगभग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, उस वक्त नवपाषाण काल युग में ही मानव के द्वारा जो यहाँ ताम्र धातु की खोज की ली जाती है, जिस जैसे इसे चालको नियोलिथिक एज कहा जाता है। और जैसे ही नवपाषाण काल समाप्त होता है, ताम्र जो तांबे की धातु का यहाँ बहुतायात मात्रा में प्रयोग किया जाता है, बहुतायात मात्रा में प्रयोग किए जाने के कारण और साथ साथ में पाषाण के उपकरणों का ही प्रयोग किया जाता है, इस वजह से इसे ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके पश्चात जो तांबे की धातु के पश्चात मनुष्य के द्वारा कांस्य की धातु का प्रयोग किया जाता है, और इसका जो नाम निर्धारण कर दिया जाता है, नाम जो नामकरण कांस्य की धातु के आधार पर, इस युग को कांस्य युगीन सभ्यताएं कहा जाता है, इस समय को कांस्य युग कहा जाता है, ब्रोंज एज यहाँ कहा जाता है। अब उसके पश्चात मानव के द्वारा कौन सी धातु का प्रयोग होता है, लोह धातु का प्रयोग होने लग जाता है, और उन सभ्यताओं को लोह युगीन सभ्यता कहा जाता है, जिसे आयरन एज कहा जाता है। ऋग्वेदिक उत्तरवेदिक काल में देखा जाएगा तो मनुष्य के द्वारा लोहे का प्रयोग किया जाने लगता है। अब सीधा सीधा अगर आप देखना चाहे तो नियोलिथिक एज के पश्चात, नवपाषाण काल के पश्चात, नियोलिथिक एज के पश्चात देखा जाए तो नियोलिथिक एज के पश्चात कौन सी एज आती है, कॉपर एज आती है, यानी कि ताम्र युग आता है, या इस धातु का प्रयोग होता है। उसके पश्चात कौन सी धातु का प्रयोग होता है तो देखा जाएगा कांस्य युगीन सभ्यताएं अपने को देखने को मिलती है, कांस्य का प्रयोग होता है। उसके पश्चात किसका प्रयोग होता है, लोह धातु का प्रयोग होता है, और उन सभ्यताओं को लोह युगीन सभ्यताएं कहा जाता है। तो ये था नवपाषाण काल के पश्चात जो सभ्यताएं विकसित होती है उनके बारे में हमने जाना है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले मानव के द्वारा कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। आज की क्लास में आप ज़्यादा नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार ये आप पांचों अवस्थाओं को लिख लेना, और अगली क्लास में हम जब दीपावली की छुट्टियों के पश्चात इसको विस्तृत रूप से जो ताम्रपाषाण युगीन सभ्यताएँ, नव ताम्रपाषाण युगीन सभ्यताएँ, उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आज सामान्य जानकारी, जो सामान्य परिचय ही हम इनका कर रहे हैं। तो बात करते हैं मनुष्य के द्वारा कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन आज तक भी, ये प्रश्न विवादास्पद है, इतिहासकारों में भी काफ़ी मतभेद है, और किस तरीके मनुष्य द्वारा कैसे ये धातुओं से परिचित होता है। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि मनुष्य के द्वारा, मनुष्य कौन सी धातु से सबसे पहले परिचित होता है और किस धातु का प्रयोग करता है। यहाँ क्वेश्चन में आपको फर्क देखने को मिलेगा, अंतर देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है कि मनुष्य कौन सी धातु से सर्वप्रथम परिचित होता है, और दूसरा है क्वेश्चन आपके, मनुष्य के द्वारा कौन सी धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो मनुष्य कहते हैं कि जो सोना है अपने, गोल्ड, गोल्ड धातु से सबसे पहले परिचित होता है, सबसे पहला परिचय गोल्ड धातु से। अब उनको कहाँ देखा, तो नदियों के आसपास जब मानव रहता है और नदी कणों के साथ आप देखते हो सोना है, जो नदियों जो पानी बहा के लाती है उनके अंदर सोने के कण रहते हैं, क्योंकि पत्थरों से बहते हुए जो नदियाँ आती है तो वहाँ पर जो सोने के कण है। तो ये मानना है कुछ इतिहासकारों का, मानव जो सबसे पहले परिचित होता है, परिचित सोने की जो धातु है उसी से होता है, गोल्ड से परिचित होता है। और सर्वप्रथम प्रयोग किसका करता है मनुष्य, तो सर्वप्रथम प्रयोग करता है तांबे का। अब मनुष्य जो यहाँ पे जो क्या है कि सोने की धातु से परिचित होता है, लेकिन सोने की धातु कठोर नहीं होती और उससे ये औजार नहीं बना सकता, वह टूल्स नहीं बना सकता, क्योंकि उसे जो उसका जो कर्म उसके लिए कठोर औजारों की आवश्यकता होती है। इसलिए जो पत्थर के औजारों की जगह सोने के औजारों का प्रयोग नहीं किया जाए, उस धातु से परिचित होता है लेकिन उसका प्रयोग नहीं करता है। उसके पश्चात उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है सबसे पहले ताम्र धातु का प्रयोग, यानी कॉपर का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है।
अब वह कोपर धातु का प्रयोग, सबसे पहले वह कैसे उस धातु तक पहुंचता है, उस धातु के बारे में कैसे जानता है, ये मनुष्य की जो उत्तम बुद्धि की दशा यहाँ देखने को मिलती है। सर्वोत्तम बुद्धि का परिचय मानव द्वारा दिया जाता है, यानी कि प्रखर मेगा, जो प्रखर मेगा का परिचय इनके द्वारा दिया जाता है। अब मानव को सबसे पहले वह कैसे परिचित होता है, तो बात करते हैं जब मानव जो यह मध्य पाषाण काल तक जो आग का आविष्कार कर लेता है, उसके पश्चात नव पाषाण काल में बेहतर तरीके से चूल्हे के अंदर जो यह आग का प्रयोग करने लगता है भोजन पकाने के लिए। अब संयोग से ऐसा होता है कि मनुष्य द्वारा जब ये अनुमान लगाया जाता है, जो विद्वानों के द्वारा इतिहासकार, संयोग से ऐसा होता है मनुष्य के द्वारा जब भोजन पकाया जाता है भट्टियों के अंदर, जो बड़े बड़े चूल्हे पत्थर की भट्टियों के अंदर और चूल्हों के अंदर जो भोजन पकाया जाता है, जब उसके अंदर आग जलाकर भोजन पकाते हैं, तो उसी दौरान देखा जाता है कि संभवतः किसी पत्थर से धातु पिघल कर निकली होगी और उस धातु से मनुष्य परिचित हुआ होगा और धीरे धीरे उस धातु का प्रयोग यहाँ औजार बनाने में करने लगता है। और यहाँ जो रासायनिक विज्ञान की उत्तम जो नॉलेज यहाँ मानव की देखने को मिलती है, और संभवतः इसके पीछे मानव का कितना जो यहाँ श्रम रहता है, ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस धातु के बारे में खोजना और इस धातु के आप प्रयोग करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मनुष्य की यहाँ देखने को मिलती है। अब यह मनुष्य के द्वारा क्या किया जाता है, ताम्र धातु की खोज कर ली जाती है और कई उपकरण यहाँ देखने को मिलते हैं जो तांबे की धातु से बनाना शुरू कर देता है। अब ये ताम्र औजार जो इसके द्वारा शुरू किए जाते हैं बनाते हैं, तो उसी दौरान अब इनके लिए आसान हो जाता है कि ये ताम्र धातु को मनचाहा आकार दे सकता है, क्योंकि ताम्र धातु लचीली भी होती है, सुंदर भी होती है और इसको मनचाहा आकार किसी भी आकार में डाल लेता है, तो ये मानव के लिए जो बहुत ही सुविधाजनक हो। लेकिन साथ साथ में देखा जाए तो पाषाण उपकरणों का भी प्रयोग यहाँ होता रहता है। अब ताम्र धातु इतनी कठोर नहीं थी, हालांकि सोने की बजाय तो कठोर थी, लेकिन पत्थर की तरह जिस तरीके जो हार्ड अगर इनको जो वर्क करना होता था, तो कठोर कर्म के लिए बात की जाए तो एक और कठोर धातु की आवश्यकता थी। तो मनुष्य को जब उस कठोर धातु की आवश्यकता महसूस होती है और उसके द्वारा और खोज की जाती है, और उसके द्वारा खोज करने के पश्चात एक कांस्य धातु का आविष्कार उसके द्वारा कर लिया जाता है। अब ये कांस्य धातु कौन सी होती है, कांस्य धातु होती है दो धातुओं से मिलकर बनती है, तांबा प्लस टिन से मिलकर बनती है, जिसमें आठ भाग तो होता है तांबा और एक भाग होता है टिन। अब इन दो धातुओं को मिलाकर जो नई धातु बनाने का आविष्कार करता है, ये भी वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ था मानव के द्वारा, जो बहुत बड़ी ये उपलब्धि हासिल की जाती है और बहुत बड़ी खोज ये मानी जाती है। और यहाँ जो केमिस्ट्री नॉलेज है उसकी, केमिस्ट्री साइंस का ज़बरदस्त एग्जाम्पल उसके द्वारा दिया जाता है और रासायन विज्ञान की जो समझ उसके द्वारा यहाँ दर्शाई जाती है, और मानव के द्वारा कांस्य धातु का प्रयोग शुरू कर दिया जाता है और इस धातु का आविष्कार, क्योंकि ये तांबे की बजाय काफ़ी कठोर होती है और उपकरणों के रूप में मनुष्य के द्वारा अब जो कांस्य धातु का प्रयोग किया जाने लगता है। ये एक सोचने में काफ़ी, जो अगर अनुमान लगाया जाए, कल्पना की जाए कि शुरुआती दौर में वाकई में धातु की खोज करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी मानव के द्वारा, कैसे जान लिया गया कि इन खानों के अंदर है, जो खानों के अंदर तांबा पाया जाता है, कहाँ पे तांबा पाया जाता है, उसकी खोज करना, उसको गलाना और उसके औजार जो बनाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानव की मानी जाती है। उसके पश्चात बात की जाए तो ये जो ताम्र के पश्चात जो कांस्य धातु का आविष्कार उसके द्वारा तांबा और टिन को मिलाते हुए कर लिया जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानव सभ्यता के लिए मानी जाती है। अब उसके पश्चात धीरे धीरे जो मनुष्य को, जो मनुष्य लोहे धातु से परिचित होता है और ये धातु उनकी बजाय बहुत ही बेहतर कठोर रहती है, और आज की सभ्यता में भी आप लोहे का अस्तित्व समझ सकते हो कि लोहे धातु का कितना अस्तित्व माना जाता है। इस तरीके से मानव के द्वारा जो धातुओं से मानव का परिचय होता है और धातुओं का प्रयोग मानव के द्वारा किया जाने लगता है। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों, हमने जाना नव पाषाण काल के पश्चात कौन कौन से काल
आते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं आती है, कौन कौन सी सभ्यताएं डेवलप होती है, यानी कि जिस तरीके से जो जिन धातुओं का प्रयोग यहाँ पे इनका निर्धारण धातु प्रयोग से किया जाता है, जिस जिस समय जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता है उनका विभाजन, काल विभाजन उसके आधार पर कर दिया जाता है। नवपाषाण काल के पश्चात शुद्ध नवपाषाण काल, उसके पश्चात ताम्र नवपाषाण काल, और उसके पश्चात ताम्र पाषाण काल, उसके पश्चात कांस्य युग और लौह युग आता है। इस तरीके से मनुष्य के द्वारा जो धातुओं की खोज की जाती है और उन धातुओं की खोज के आधार पर उसे उसका नामकरण कर दिया जाता है। कांस्य युगीन सभ्यताएं, नव ताम्रपाषाण युगीन सभ्यताएं, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यताएं, ये नामकरण उनका कर दिया जाता है। और सबसे पहले परिचित मनुष्य सोने की धातु से होता है और सबसे पहला प्रयोग मनुष्य के द्वारा जो यहाँ तांबे का किया जाता है। और उसके पश्चात बात की जाए तो कॉपर, ब्रोंज और आयरन एज, ये अपने को नवपाषाण काल के पश्चात देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया, हालांकि आज मैंने कुछ ये इसका सामान्य परिचय आपको दिया है। अब जो हम आगे की क्लास में जो दीपावली की छुट्टियों के पश्चात ताम्र नवपाषाण काल को पढ़ेंगे, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और एक बार पुनः जो मैं आपको दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, तो सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार धन्यवाद।